डियर लर्नर्स एंड वेलकम इन दिस वीडियो बहुत अहम वीडियो है बिकॉज हम बात करने वाले हैं वॉट इज इनोवेशन हम पहले बात करते हैं आए हैं कि ऑन्टरप्रीनरशिप और इनोवेशन का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है बिग फर्म्स भी लार्ज फर्म्स भी इनोवेट करती हैं बट वहां पर इनोवेशन के प्रोसेसिस कॉम्प्लेक्स होते हैं वजह उनके स्ट्रेटजीज uh, जो उन्होंने अडॉप्ट की होती हैं उनके ब्रांड नेम्स उनका आर एन डी का पूरा एक प्रोसीजर Uh, उसके अलावा उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो आने वाले पांच दस सालों में उन्होंने डेवलप की होती हैं जिनको उन्हें फॉलो करना होता है उसके बीच में रहते हुए इनोवेट करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्मॉल फर्म्स का फायदा यह होता है कि उनके स्ट्रक्चर्स बहुत छोटे होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं यही शैम पीटर ने बात की थी कि जितने भी स्मॉल फर्म्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं फर्म्स में चूंकि स्ट्रक्चर्स आसान होते हैं फैसला लेना आसान होता है रिसोर्सेज को लेना पुल करना किसी नई जगह पे इन्वेस्ट करना नए मार्केट में जाके टेस्ट करना उसके फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर और उसके स्मॉल साइज की वजह से आसान हो जाता है इसीलिए ऑन्टरप्रनोरशिप में खास तौर पर स्मॉल फर्म्स के ऊपर ये बहुत भरोसा किया जाता है कि वो बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ आएंगे इनोवेशन की बहुत सी मल्टीपल डेफिनेशंस हैं कुछ डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं मिसाल के तौर पे इनोवेशन है क्या द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन आइडिया इन टू गुड और सर्विस दैट क्रिएट्स वैल्यू फॉर विच कस्टमर विल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि इनोवेशन से मुराद ये होगा कि बहुत यूनिक बहुत हटके कोई चीज होगी मगर इनोवेशन क्या है इनोवेशन सिर्फ और सिर्फ एक सादा लफ्जों में एक ऐसी चीज एक ऐसी सर्विस एक ऐसी प्रोडक्ट का नाम है जिसके लिए आप और मैं पैसे देने के लिए तैयार हैं और वो पैसे देने के लिए हम क्यों तैयार हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट या वो सर्विस हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है इनोवेशन को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसको हम बेटर फास्टर चीपर फॉर द ग्रेटर सेटिस्फैक्शन या द ग्रेटर वैल्यू फॉर द कस्टमर ऑफर कर रहे हैं तो वो भी इनोवेशन होती है इनोवेशन की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देखते हैं इनोवेशन को डिफाइन किया जाता है द कंपनीज कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट अ रेंज ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विसेज टू द न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट इन द मैनर दैट आउट परफॉर्म्स कम्पैटेटर्स ये एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है इनोवेशन की अगर आप इस डेफिनेशन के कॉम्पोनेट्स देखें तो इनके कॉम्पोनेट्स में आपको सबसे पहले ये नजर आएगा कि इनोवेशन के लिए चाहे वो लार्ज फर्म्स हो चाहे वो स्मॉल फर्म हो चाहे वो एक स्टार्टअप ही क्यों ना हो नंबर वन आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए इनोवेट करने की नंबर टू इनोवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इनोवेशन के अंदर आइडिया बल्कि आइडिया भी नहीं अपरच्युनिटी रिकग्नेशन से लेकर वहां से आइडिया जनरेट करने से लेकर फिर उसके बाद उसको मेच्योर करने से लेकर जितने भी प्रोसेसिस हैं प्लस स्ट्रेटेजीज प्लस वो किस मार्केट के लिए किस कस्टमर के लिए और खास तौर पर उसके लिए रिसोर्सेज क्या रिक्वायर होंगे इन तमाम एक्शंस को एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है पर्पस क्या है हमने डिलीवर करनी है एक प्रोडक्ट या एक सर्विस वो प्रोडक्ट या सर्विस कहाँ डिलीवर हो सकती है आप अपने लिए कोई नई मार्केट भी डिवेलप कर सकते हैं आप किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में भी जा सकते हैं करना क्या है आपने यानी आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस कब कहा जाएगा जब आपकी प्रोडक्ट आपके कंपेटिटर से बेहतर होगी सो so ये सारे कॉम्पोनेंट्स आपको नजर आगे होंगे ये सारे कॉम्पोनेट्स जब मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस इनोवेटिव है एक बात याद रखिए इनोवेशन के दो बहुत क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स हैं नंबर वन इज द इन्वेंशन और इन्वेंशन मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के अंदर न्यूनेस होनी चाहिए अगर आप भी वही काम कर रहे हैं जो पूरी मार्केट कर रही है तो वाई द कंपेटिटर सॉरी द कस्टमर विल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कमर्शलाइजेशन बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जिनके पास बहुत से अच्छे आइडियाज होते हैं बहुत इनोवेटिव आइडियाज होते हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकते हैं वो खास तौर तो पे इंजीनियर्स के पास तो बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं मगर उन आइडियाज की कमर्शलाइजेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है और बाई कमर्शलाइजेशन मीन्स कि उनको फंड्स मिले उनको वो रिसोर्स मिले उनको वो मार्केट मिले उनको वो पूरी की पूरी मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी मिले जिसके अंदर रहते हुए वो अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करके मार्केट में जाके टेस्ट कर सकें एक बात याद रखिएगा नो मैटर हाउ गुड और हाउ इनोवेटिव योर प्रोडक्ट और योर आइडिया इज अगर कमर्शलाइजेशन ही मिसिंग है तो वो प्रोडक्ट या आपकी वो सर्विस मार्केट में कभी नहीं आ सकती अच्छा इनोवेशन की मुख्तिफ टाइप्स हैं और मुख्तु लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से उन टाइप्स को बयान किया है हम भी कुछ टाइप्स आपके साथ शेयर करते हैं मिसाल के तौर पे इनोवेशन की मल्टीपल टाइप्स में से जो सबसे कॉमन टाइप्स शेयर की जाती हैं दिखाई जाती हैं वो हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन आर्किटेक्चरल इनोवेशन और रेडिकल इनोवेशन इसको एक ग्राफिक फॉर्म में देखते हैं एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं ताकि हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपकी मार्केट क्या है जिस मार्केट के लिए आपने प्रोडक्ट या सर्विस डिफाइन करनी है सो so, पहले मार्केट को देखते हैं कि क्या हम किसी न्यू मार्केट के लिए जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए जा रहे हैं नंबर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी मींस आप इसको एक ब्रॉड सेंस में लें टेक्नोलॉजी मीन वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज या वो आई रिलेटेड फैसिलिटीज या आपकी सर्विस फैसिलिटीज जो आपके पास हैं तो क्या आप एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए जा रहे हैं या आप न्यू मार्केट के लिए जा रहे हैं डिपेंड करता है कि आप स्टार्टअप में है तो आप के लिए आप न्यू एंट्रेंट है मार्केट के लिए और अगर आपकी छोटी सी फर्म ऑलरेडी चल रही है तो आपकी कोई एग्जिस्टिंग मार्केट भी होगी अब हम ये देख लेते हैं कि कि सबसे पहले इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल इनोवेशन इनोवेशन क्या होती है है बिकॉज ज्यादातर करती और आपने इंक्रीमेंटल इनोवेशन में ऑन स्क्रीन देखेंगे कि इसमें मार्केट भी आपकी एग्जिस्टिंग है और टेक्नोलॉजी भी आपकी एग्जिस्टिंग है मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि नित नए मोबाइल मार्केट में आते रहते हैं और थोड़े थोड़े फीचर्स के साथ वो मोबाइल मार्केट में इंट्रोड्यूस होते रहते हैं कभी उसके कैमरे का पिक्सल बेहतर हो जाता है कभी उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर हो जाता है कभी उसका साइज बेहतर हो जाता है कभी उसकी स्क्रीन ऑपरेट करना आसान हो जाती है और लाइक वाइज मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हर रोज खबर आती है कि किसी भी एक सोशल मीडिया ने आज एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है ये दरअसल इनक्रिमेंटल इनोवेशन है आपके पास टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्टिंग है यानी कि वही आप सिस्टम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी मार्केट भी एग्जिस्टिंग है बस आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को मिच्योर करते जा रहे हैं हर रोज एक नया फीचर ऐड करते जा रहे हैं और इनकेमेंटल इनोवेशन के अंदर रिस्क कम होता है फिर आ जाते हैं आर्किटेक्चरल इनोवेशन की तरफ इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी आपकी एग्जिस्टिंग होती है लेकिन मार्केट आप नई एक्सप्लोर करते हैं यानी आप अच्छे से अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर चुके हैं आपकी प्रोडक्ट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर चुकी है एक मार्केट में अब आप मार्केट एक्सपेंशन चाहते हैं तो आप उसी प्रोडक्ट या उसी सर्विस को उठा के किसी नई मार्केट में लेके जा रहे हैं और इस नई मार्केट से भी आप उम्मीद रखते हैं कि आप जब री इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने कुछ नए कॉम्पोनेंट्स के साथ नई मार्केट के अंदर अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी और इसके अंदर भी रिस्क काफी हद तक मैनेजेबल होता है अब आ जाते हैं कि जब आपके पास नई टेक्नोलॉजी हो यानी आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और ये है रियल इनोवेशन अब इसके अंदर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें आपके पास दो ऑप्शन होती हैं एक तो ऑप्शन ये है कि आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है लेकिन टेक्नोलॉजी आपकी नई है जिसको हम डिसरप्टिव इनोवेशन का नाम भी देते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं मिसाल के तौर पे मोबाइल मार्केट ऑल रेडी थी मोबाइल्स पहले बटनों वाले थे छोटे थे और कलरफुल नहीं थे और उसके फौरन बाद जब पहली बार एप्पल ने स्मार्टफोन लॉन्च किया तो मोबाइल्स की मार्केट एग्जिस्टिंग थी लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी सो अगेन इट्स अ डिसरप्टिव इनोवेशन इसमें रिस्क हाई होता है बिकॉज एग्जिस्टिंग मार्केट आपकी नई टेक्नोलॉजी को uh, से उस, उसको इनकार भी कर सकती है लाइक उसको अच्छे तरीके से रिसीव नहीं कर सकती हो सकता है आपका आइडिया इतना इनोवेटिव हो कि कस्टमर्स को सीखने में समझने में टाइम लगे सो so, रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है मगर ये डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होती है यानी मार्केट आपकी एग्जिस्टिंग है लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है और सबसे हाई रिस्क होता है रेडिकल इनोवेशन में यानी आप बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी डिजाइन करके लेकर आ रहे हो और आपकी मार्केट भी इंतहाई नई है या आप उसको खुद डेवलप कर रहे हैं ये जितने भी गैजेट्स जो आजकल आप देखते हैं नित नए जो डिजाइन हो रहे हैं जिनका अभी तक हमें ये मालूम नहीं है क्लियर कि वो किस मार्केट किस यूजेज किस कस्टमर के लिए डिजाइन हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी बहुत नई है अभी तक हमें उस टेक्नोलॉजी को देखना भी है सीखना भी है समझना भी है तो ये रेडिकल इनोवेशन है रेडिकल इनोवेशन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है रिस्की प्रोसेस है इसलिए रेडिकल इनोवेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने में नजर नहीं आती आपको ज्यादातर जो इनोवेशन नजर आएगी दैट विल बी इंक्रीमेंटल और आर्किटेक्चरल हाउ बिजनेस रिव्यू के अंदर एक और तरीके से इनोवेशन को बताया गया है कि वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन काफी डिटेल्स जो है वो मिलती जुलती हैं लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं उन्होंने बताया है कि आपके पास दो ऑप्शन बल्कि दो सवाल आपके पास होते हैं नंबर वन हाउ वेल द प्रॉब्लम इज डिफाइंड हमने आपको बताया था कि आप अपॉर्चुनिटी क्या होती है आप मार्केट में जाते हैं और किसी ना किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करते हैं तो पहला सवाल ये आता है कि हाउ वेल योर प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ वेल द डोमेन इज आइडेंटिफाइड हम डोमेन को कह देते हैं कि स्किल डोमेन कितना आपका आइडेंटिफाई है इसमें आ जाती है कि अगर आपका प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है या वेल well डिफाइंड नहीं है और इसी तरह आपकी स्किल डोमेन वेल डिफाइंड है और वेल well डिफाइंड नहीं है अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आपका प्रॉब्लम बहुत वेल well डिफाइंड है पहला हम पहले ब्लॉक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रेक थ्रू इनोवेशन लेकिन आपके पास आपकी स्किल डोमेन आइडेंटिफाइड नहीं है यानी इन अदर वर्ड्स आप अच्छे से प्रॉब्लम को समझ चुके हैं आप ऑपरचुनिटी को स्पॉट कर चुके हैं आपको एग्जैक्टली exactly मालूम है कि इस ऑपरचुनिटी को किस प्रोडक्ट या सर्विस से मार्केट को हिट किया जा सकता है लेकिन फिलहाल आपके पास कुछ रिसोर्सेज की कमी है कुछ स्किल्स की कमी है सो so अगर आपका डोमेन अभी स्पेसिफाई नहीं है तो इट्स अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन उसके लिए आप रिसोर्सेज पुल करते हैं आप ओपन इनोवेशन की तरफ जाते हैं और बाय ओपन इनोवेशन मीन्स आप कोलेबोरेट करते हैं दूसरे लोगों से बिकॉज प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाइड है आपके पास बाजुकात रिसोर्सेज या स्किल की कमी होती है सो so जिस डोमेन में आप लैग कर रहे होते हैं उस डोमेन में आप फिर कोऑर्डिनेशन के लिए जाते हैं और कोई ब्रेक थ्रू इनोवेशन करते हैं सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज सस्टेनिंग इनोवेशन अच्छा सस्टेनिंग इनोवेशन में यह है कि आपका प्रॉब्लम भी बहुत वेल well डिफाइंड है और आपके पास वो स्किल्स कंपनीज हैं चाहे वो स्टार्टअप है चाहे वो लार्ज फर्म्स हैं चाहे वो मीडियम साइज फर्म्स हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और नंबर टू उनके पास वो स्किल्स भी हैं जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो उनका आर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है और उनको प्रॉब्लम्स को साथ साथ सॉल्व कर रहा होता है एक नए तरीके से सो so, इसे सस्टेनिंग इनोवेशन अब आ जाते हैं डिस्करप्टिव इनोवेशन के अंदर डिस्कटिव इनोवेशन में होता यह है कि आपके पास स्किल्स हैं यानी आपके पास एक ऐसी टीम है जिसके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज हैं वो नए नए तजर्बे कर सकते हैं अभी फिलहाल ये डिफाइन नहीं होता कि आपका प्रॉब्लम क्या है बाजार प्रोडक्ट डिफाइन हो जाती है आइडिया आ जाता है वो आइडिया हमारे कौन से प्रॉब्लम या कौन सी अपॉरचुनिटी को सॉल्व करेगा ये बाजत बाद में हमें क्लियर होता है इट्स कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन आ जाते हैं बेसिक रिसर्च की तरफ सबसे बेसिक रिसर्च का मतलब ये होता है कि अभी इसमें ना तो हमें प्रॉब्लम का मालूम होता है ना अभी हमें स्किल्स का मालूम होता है इमेजिन कीजिए कि जब इंसान ने पहली दफा चांद पर कदम रखा होगा तो उसने क्या सोच रहा होगा नंबर वन पहली बात तो यह कि हमारे पास वहां तक पहुंचने के लिए रिसोर्सेज की कमी थी और हम बड़े स्केप्टिकल थे जाने के लिए और नंबर टू हमें यह भी मालूम नहीं था कि इंसान जब पहली दफ़ा चांद पर कदम रख देगा तो फिर उसके बाद क्या होगा ये कितना बेनिफिशल हो सकता है फॉर द ह्यूमैनिटी ये सारी चीजें बेसिक रिसर्च में आती है हम बेसिक रिसर्च के अंदर ना हमें स्किल्स हमारे पास वेल आइडेंटिफाइड होते हैं ना प्रॉब्लम वेल आइडेंटिफाइड होती है बस हम अपनी बेसिक रिसर्च कर रहे होते हैं हम आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं डे एंड के ऊपर कहीं ना कहीं चीजें हमें बाद में क्लियर होना शुरू होती हैं कि ये किस प्रॉब्लम और नंबर टू किस स्किल किस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा और किस तरह के स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे लाइकवाइज टू कंक्लूड हमारे पास और बहुत सी टाइप्स नजर आएंगी आपको इनोवेशन की मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट इनोवेशन अब एक प्रोडक्ट है और वो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन यानी एक ऐसी प्रोडक्ट जो पहले मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती आपको कोई ऐसा गैजेट बना दिया जाए जो आज से पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करता आपको ऐसी सर्विस ऑफर की जाए जो आज से पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करती बिल्कुल नहीं है आपके लिए बिल्कुल एक नया तजर्बा है इट्स प्रोडक्ट इनोवेशन कॉस्ट इनोवेशन क्या है आप अपना uh, बाजुकात होता है कि खासतौर पे इंजीनियर्स वो uh, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसी मशीन या कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दे देते हैं जिसकी वजह से जो काम पहले बहुत ज्यादा कॉस्ट में हो रहा होता है वो बहुत कॉस्ट एफिशेंट यानी बहुत कम काम के अंदर Uh, बहुत कम पैसों के अंदर ज्यादा बेहतर जिस तरह हम गाड़ियों को देखते हैं कि हम बार बार कहते हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंसी हो गई है इसमें इतना फ्यूल डालें तो ये ज्यादा माइलेज देती है इट्स कॉस्ट एफिशिएंसी बेसिकली फिर हमारे पास आता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन बाजात हमारा बिजनेस मॉडल बहुत इनोवेटिव होता है आज से पहले किसी ने नहीं सोच रहा था कि कोई ऐसी टैक्सी सर्विस भी हो सकती है कि जिसमें जो उस बिजनेस का ऑनर है उसकी अपनी कोई रिसोर्स अगर ऊबर या आप करीम को देखें तो इन दोनों बिजनेस मॉडल्स के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं जितने भी मुल्कों में चल रही हैं उनमें से एक भी गाड़ी उनकी अपनी नहीं है और एक भी ड्राइवर उनका अपना नहीं है सो so, गाड़ियाँ भी किसी और की हैं ड्राइवर भी किसी और का है वो बिजनेस पार्टनर भी किसी और को बना रहे हैं बट दे हैव अ वेरी यूनिक बिजनेस मॉडल सो so, बात हमारा बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक आ जाता है लाइक वाइज हमारे पास प्रोसेस या टेक्नोलॉजी हमारे पास खासतौर पर लार्ज फार्म या स्मॉल मीडियम साइज फार्म्स अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी लाने के लिए प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स लेकर आती हैं उसकी वजह यह होती है कि जितने प्रोसेस स्मूथ हो जाते हैं या जितने प्रोसेस इंप्रूव हो जाते हैं उतनी क्वालिटी बेहतर हो जाती है सो प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी आपको देखने मिलेगी और आजकल जो बहुत ज्यादा बात हो रही है दैट इज सोशल इनोवेशन सोशल इनोवेशन क्या है आपके सोसाइटल इश्यूज़ हैं मिसाल के तौर पर पलूशन बहुत ज्यादा हो रही है मिसाल के तौर पर प्लास्टिक गारबेज बहुत बढ़ गया है मिसाल के तौर पे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि यूजफुल नहीं है बड़े हार्मफुल हैं ह्यूमैनिटी के लिए और मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे जिस तरह हम बात करते हैं कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे फूड इंडस्ट्री है फास्ट फूड इंडस्ट्री है तो फास्ट फूड इंडस्ट्री जानवरों को कुछ ऐसे तरीकों से तैयार कर रही हैं प्रिपेयर कर रही हैं कि कुछ ऐसे इंजेक्शन इस्तेमाल कर रही हैं कि जिसकी वजह से उनका मीट ज्यादा ग्रो कर रहा है मीट ज़्यादा होता है बट अगेन उसके जो केमिकल्स लगाए जा रहे हैं वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को कैंसर ज्यादा कॉज कर रहे हैं सो सोशल इनोवेशन क्या है प्रॉब्लम इज देयर सोसाइटी का प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आनी है एट लार्ज उसका पर्पज प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता उसका पर्पज सोसाइटी का कोई ना कोई मसला हल करना होता है आखिर में अगर हम बात करना चाहें एक और तरीके से इनोवेशन को डिफाइन किया जाता है दैट इज मार्केट पुल इनोवेशन और एक टेक्नोलॉजी पुश इनोवेशन मार्केट पुल इनोवेशन ज्यादातर स्टार्टअप्स करते हैं वो क्या है आप मार्केट से कस्टमर से कोई ना कोई बात सुनते हैं कोई ना कोई डिमांड सुनते हैं आपको आइडिया आता है और फिर उसके बाद आप उस आइडिया पे काम करते हैं टेक्नोलॉजी पुश इनोवेशन ये है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से तेजी से चेंज हो रही है खासतौर पर आज के दौर के अंदर मशीन लर्निंग के दौर के अंदर तो आपको वहां से आइडिया आ रहा होता है मिसाल के तौर पर जब तक क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं आया तब तक बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं आया कि वो एक स्पेस ऑफर कर सकते हैं हमें कि हम अपना डेटा जो है वो क्लाउड पे जाकर सेव कर सकते हैं सो so, जितनी भी कंपनीज क्लाउड के ऊपर आपको स्पेस ऑफर कर रही हैं बेसिकली इट्स टेक्नोलॉजी पुश इनोवेशन सो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन हमने आज डिस्कस की हैं इसमें आपने कौन सी टाइप ऑफ इनोवेशन करनी है फॉर योर स्टार्टअप या फॉर योर मीडियम साइज एंड लार्ज साइज फर्म इट्स अप टू यू नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं